हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम कठुआ के पार्क में हैं, बहुत ही प्यारा पार्क है। इसका नाम है के बिरला पार्क, CDM के सामने और कॉलेज से आगे। तो बहुत ही अच्छा पार्क है। यहाँ पर मैं काफ़ी टाइम से रह रही थी, तो मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ। आज मैं अभी फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। एक्चुअली जब भी मैं आपको बताऊं, मैं अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी में जाती थी तो मैं ये पार्क देखा करती थी। तो आज जो ये पार्क है गाइस, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। और आप देखो, आपको भी दिखाऊंगी। तो आप पीछे बैकग्राउंड में पार्क देखिए, कितना अच्छा पार्क है, कितने अच्छे प्लांट्स हैं। देखिए, बहुत ही अच्छे प्लांटिंग कर रखी है यहाँ पर। रोज़ देखिए कितने प्यारे हैं, बहुत ही सुंदर रोज़ हैं। और यहाँ पर शाम के टाइम पे बहुत भीड़ हो जाती है, आपको बताऊंगी मैं। बाहर बहुत लोग आते हैं तो काफ़ी रश हो जाता है। आज मेरा भी मन था यहाँ पे आने का। तो यहाँ पे देखिए, वाटरिंग का भी है, सामने तालाब सा है, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा गाइस व्यूज़ है। तो मेरी इच्छा थी जब भी मैं यहाँ पर आऊँगी तो आप लोगों के साथ ब्लॉगिंग करूँगी, ब्लॉग शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग्स, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियोस बनाने में, सही बोलूं बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप वीडियो को ऐसे स्किप मत करा करें। जब भी कोई वीडियोस देखें तो पूरी देखें, ठीक है। और मोटिवेट करना चाहिए, जिससे मैं आगे से आगे आपके लिए अच्छी सी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगा। इस तो देख सकते हैं आप, कितनी अच्छी प्लांटिंग है, कितना अच्छा पार्क है। यहाँ पर लोग नंगे पैर भी घास पे रास्ते वॉक करते हैं। जो मैं ये इस पर कर रही हूँ तो ये पैदल वालों का ट्रैकिंग है गाइस। बहुत ही अच्छा पार्क है, बच्चों का भी खेलने का है। आपको मैं बताना चाहूँगी, मैंने एक चीज़ नोट करी कठुआ में, कठुआ की ये स्पेशलिटी है। यहाँ पे तो पार्क तो बहुत ही अच्छे अच्छे पार्क हैं। और वैसे मैं आपको बताऊँगी, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ तो वहाँ पर मैंने इतने अच्छे पार्क नहीं देखे हैं, पर यहाँ पर पार्क बहुत अच्छे हैं। बहुत ही सुंदर सिटी है, अच्छी सिटी है, छोटी है, पॉल्यूशन फ्री है। तो बहुत ही अच्छी सिटी है, देखिए आप देख सकते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं आप कैसे उन्होंने ग्रास की छत बना रखी थी, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितनी अच्छी फीलिंग्स आ रही है। तो प्लीज़ मैं आप सभी से यही निवेदन करूँगी, यही रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें गाइस। जो ये पार्क है बहुत ही बड़ा है, सामने आप देख सकते हैं कि बच्चों के खेलने का प्लेस है। तो मैं आपको वहाँ पे भी दिखाऊँगी। अभी स्मॉलेस्ट सा जिम बनाया इन्होंने, ओपन जिम बना हुआ है, जिसमें इन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, ट्विस्टर है और पैरों से वॉकिंग वाली मशीन्स हैं। काफ़ी मशीन्स इन्होंने रखी हुई है, प्रोवाइड करा रखी है पब्लिक को। जो लोग जिम नहीं जा सकते तो वो यहाँ आके भी सुबह शाम एक्सरसाइज कर सकते हैं। गाइस, मेरा तो बहुत मन करता है जाने का, बस मतलब मुझे मेरे हस्बैंड ही नहीं निकलने देते हैं। और कुछ बाकी का भी शेड्यूल मेरा इतना बिजी हो जाता है तो मैं नहीं आ पाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा प्लेस है, यहाँ पर भी बैठकर हम बात कर सकते हैं। जो आप ये देख रहे हैं पीछे, ये वॉक ट्रैकिंग के लिए है। जो पैदल वॉक करते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, सेटिंग के लिए यहाँ बैठना है तो हम सेटिंग कर सकते हैं। और ये देखिए, इन्होंने मिनी सा जिम बनाया हुआ है, ओपन जिम। तो आप देखिए कितना अच्छा जिम है। तो बहुत ही अच्छा जिम बना रखा है इन्होंने। ये देखिए इसमें कितने अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये देखिए। तो ओपन में बना रखा है गाइस, बहुत ही अच्छा है जिम। देखिए इसमें हम, ये नी के लिए है, जिनकी नी में प्रॉब्लम होती है। इससे क्या होता है, हमारी जो नी है वो स्ट्रांग होती है, तो गाइस हम इसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं।
बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं एक्चुअली ये है जो दो पार्क है वहाँ तो जा रखी हूँ मैं, दूसरे वाले में योगा क्लासेस होती थी हमारी, तो जो फॉरेस्ट फॉलो का है, ग्रीनलैंड में भी गई हुई थी मैं, ये के बिरला में नहीं गई थी, ये काली बड़ी चौक पर है और स्टार्टिंग पे ही है, अगर आप आना चाहो तो विक्रम ऑटो से भी आ सकते हो, सीधा वो यहीं पर ही उतारता है। तो जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ इससे क्या होता है, हमारे नी स्ट्रॉन्ग होते हैं और घुटने मजबूत होते हैं, गाइस अच्छा लगता है। तो ठीक है, अपनी फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए, हेल्थ नहीं बढ़ने देनी चाहिए। मैं आपको बता रही थी जिससे भी मेरा भी वेट बढ़ गया यार, पहले इतना वेट नहीं था, अब बहुत वेट बढ़ चुका है, बहुत ही हेल्दी हो चुकी हूँ मैं भी। तो ये ट्विस्टर है जिसमें हम बैक मूव कर सकते हैं, तो मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं करूँगी, नीचे गिर जाऊँगी, स्लो स्लो करके आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए आप कितना अच्छा पार्क है, ये देखिए बहुत ही अच्छा है यार। इवनिंग में लेडीज़ का पता है बहुत काम हो जाता है, वर्कआउट नहीं कर पाती हैं घर में हाउसवाइफ, तो उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है अपना मॉर्निंग इवनिंग में आके थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने ऊपर भी टाइम स्पेंड करना चाहिए गाइस। फैमिली के लिए तो हर कोई जीता है, पर बहुत ही कम लोग होते हैं जो ये बात समझते हैं कि हाउसवाइफ भी सारा दिन लगी रहती है, उसको भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक होता है, तो टाइम निकालना चाहिए अपने लिए। तो आज मेरा भी मन हुआ तो मैं गाइस आ गई हूँ यहाँ पर, ये ट्विस्टर है, ये बैक के लिए है और बहुत ही वेल है, अच्छी एक्सरसाइज है, इससे बैक कम होती है तो करनी चाहिए, बहुत ही अच्छा है। मैंने इन्होंने ओपन जिम बना रखा है, तो हम जिम वगैरह नहीं भी जाते तो यहाँ पर आकर भी एक्सरसाइज करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्सेशन मिलता है और बॉडी भी आपकी फिट फॉर रहती है। तो मैं इसलिए ज़्यादा तेज़ नहीं कर रही हूँ, मैं गिर जाऊँगी तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। देखो मैम भी कर रही हैं, ये वाला आर्म्स के लिए है, देखिए आप इसमें ऐसे कर सकते हैं, इससे हमारी क्या होती है पूरी आर्म्स की एक्सरसाइज होती है और फ्लैक्सीबिलिटी बनी रहती है, तो हमें करना चाहिए। तो गाइस मैंने आज आपको कठुआ का के बिरला पार्क भी दिखाई दिया है जो काली बड़ी चौक में है, बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था पार्क की बहुत स्पेशलिटी है, पार्क बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं मैंने तो अभी एक्सरसाइज करी है सामने, ये भी आर्म्स के लिए सामने, बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, हमारी बॉडी भी फिट फॉर रहती है, तो जो हमें करना चाहिए एक्सरसाइज इज़ मस्ट इन आवर डेली लाइफ यार, अगर लाइफ में हेल्दी रहना है, तंदुरुस्त रहना है तो हमें एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए डेली रूटीन में, थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए, अपने आप को भी समझना चाहिए, खाना घर का काम तो जो डेली रूटीन में है वो तो होता ही रहता है यार, अपने आप को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़ मैं आपको बहुत ही अच्छी आज मैं आपके आगे वीडियो लेकर आई हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप विदाउट स्किप करें देखिएगा, बहुत ही अच्छी बनाई है मैंने, और उधर देखिए छोटे बच्चों का भी खेलने का है, आप छोटे बच्चों को देख सकते हैं खेलने का सामने पार्क है, सामने छोटे बच्चों का आया, क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा ब्लर हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा व्यू है और पानी का शावर वगैरह भी है देख सकते हैं आप। तो मैं आपको दिखाती हूँ, फ्रंट से दिखाना पड़ेगा यार मुझे, बहुत ही अच्छा व्यू है, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, फ्रंट पानी बहुत ही सुंदर लग रहा है, मुझे तो ये पार्क गाइस बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा, ये बच्चों का पार्क है, ये देखिए ये बच्चों का है और ये प्लांटिंग बहुत अच्छी हो रखी है यहाँ पर, बहुत ही मेंटेनेंस अच्छी कर रखी है, तो आप प्लीज़ वीडियो को देखिएगा, तो
सो बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दें, जिससे आपके पास मेरी जो भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं आप सबकी खुशी रोहिला 8044। चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।